नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में विभिन्न प्रकार के जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शोध संस्थान पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान हैं और इसके बारे में एक अप्रोच डेवलप करना, क्योंकि संस्थान के बारे में तो किताबों में हम लोग रट लेते हैं, लेकिन उसके बारे में अगर एक अप्रोच का विकास किया जाए तो बेसिकली उससे संबंधित हम लोग स्वतः जो है काफ़ी कुछ चीज़ों को तैयार कर सकते हैं और उसमें एक आत्मविश्वास का विकास कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है शोध संस्थान के बारे में जो है चर्चा करते हैं और उसके प्रकार, अंतर और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो एक तो इसमें जो है हम लोग प्रकार के बारे में देख लेंगे। अंतर थोड़ा सा देख लेंगे और महत्वपूर्ण संस्थान ये देख लेंगे। प्रकार का मतलब जैसे याद करने के बारे में, जैसा हमने कि बताया कि किताबों में बहुत चीजें दी गई होती हैं और सूचना के रूप में जो होती है, लेकिन पढ़ने के बाद भूल जाता है। तो यहां पर आप लोगों को यह ध्यान में रखना होगा, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कृषि है, तो हम लोग जो है कृषि के संदर्भ में जो भी संस्थान है उस महत्वपूर्ण संस्थान को देख लेंगे। इस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र है तो उद्योगों के बारे में देख लेंगे, मौसम के क्षेत्र में देख लेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लेंगे। और इसी तरीके से जो है कुछ और महत्वपूर्ण संस्थान हैं जिनको कहीं ना कहीं जो है हम लोग एक ग्रुप में लाने का जो प्रयास करते हैं, और ग्रुप में ला करके जो है उसके बारे में जब हम देखेंगे, या कुछ सिटी के आधार पर भी देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए लखनऊ हम उठा लेते हैं, एक महत्वपूर्ण सिटी है जहाँ पे महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित है, शोध संस्थान, तो हम उसमें देखेंगे कि लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ये देखने के बजाय कि ये संस्थान कहाँ पर स्थित है, आप लोग ये देखने का प्रयास कीजिए कि इस सिटी में कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान हैं। तो ऐसा करने से जो है आप लोगों को उस सिटी से संबंधित महत्वपूर्ण जो है संस्थानों के बारे में एक आत्मविश्वास जो है पैदा होगा। तो आप इस उल्टे तरीके से जो है तैयार करेंगे, विपरीत दिशा में जो है चल करके तैयार करेंगे, तो वहाँ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो संस्थानों को एक बार में जो है तैयार कर लेंगे और ये परीक्षा में सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं तो आपको हल करने में मदद मिलेगा। अब इसमें हम लोग जैसे कृषि के बारे में हमने शुरू किया, कृषि के बारे में हमने जो शुरू किया तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान सबसे पहले हम ये इसी को देख लेते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये जो है कहां पे स्थित है, नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कहां पे स्थित हो गया, ये नई दिल्ली में हो गया। इसी तरीके से अब अगर हम यहां पे चाहें तो दो तीन तरीके हैं कि दिल्ली से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण संस्थान होंगे, उसको भी हम लोग जो देख लेते हैं। जैसे भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान ये भी जो है नई दिल्ली में है। इसी तरीके से एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी जो है अगर देखा जाए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये भी जो है नई दिल्ली में है। तो आप चूंकि नई दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है और वहां पर महत्वपूर्ण संस्थानों का होना तो स्वाभाविक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे संस्थानों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संस्थान। तो छोटे बड़े मध्यम किस्म के बहुत होते हैं, लेकिन उन संस्थानों के बारे में जो है चर्चा करना जरूरी है जो परीक्षा उपयोगी, जहां से बार बार सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया जो है इस तरीके से दिल्ली से संबंधित। अभी जैसे एक महत्वपूर्ण संस्थान गन्ना हो गया, हम यहां पर इसको देख लेते हैं, गन्ना या उसी से संबंधित उत्पाद जो है। अब जैसे यहां पर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, अभी इसी में जो है आपको एक समझ विकसित होगी कि किस तरीके से अंतर है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान
कोयम्बटूर, ये जो है कोयम्बटूर में है। अब वहीं पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसको अंतर करना जरूरी है, ये आपका लखनऊ में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आईआईएसआर के नाम से जाना जाता है। तो ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और इसी तरीके से भारतीय चीनी भी गन्ना से बन रहा है, तो यहां पर उससे संबंधित चीजों को हम देख लेंगे। भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान ये जो है ये कानपुर में है। अब आपने देखा कि यहां पर हमने दिल्ली से संबंधित चीजों को एक जगह पर लाने का प्रयास किया, उसी तरीके से यहां गन्ना या इसके उत्पाद के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से तीनों संबंधित है। और यहां से सवाल कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है। तो ये चीजें आपको देखने को मिल रही है कि किस तरीके से चीजें संबंधित है। यहाँ पे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का तात्पर्य आपके मस्तिष्क में एक ऐसा अप्रोच पैदा करना है जिससे आप स्वयं इस तरीके का डेवलपमेंट कर सकें। भाई किताबों में तो बहुत चीजें लिखी गई हैं, मैगजीन में है, यूट्यूब पर ढेर सारे जो है सूचनात्मक जो है चैनल बने हुए हैं जो लगातार सूचनाएं आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन आप में समझ पैदा करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जब तक आपके पास समझ नहीं होगा, अप्रोच नहीं होगा, तब तक आपके पास आत्मविश्वास के साथ तैयारी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जैसे यहां पे हम लोग देख लेते हैं, चावल, आलू, तंबाकू, चमड़ा, ये चार महत्वपूर्ण संस्थान है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तंबाकू और चमड़ा चेन्नई में है। अब कुछ चीजें हम लोग पढ़ने के साथ साथ ये कोशिश करते हैं, जैसे चा से यहाँ पे चमड़ा है, उसी के चा से चेन्नई, तो कुछ चीजों को इस तरीके से भी जोड़ करके देखने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा। और हर चीज में आप जब पढ़ाई कीजिए तो पढ़ाई करने के दौरान विषय वस्तु को समझने का प्रयास कीजिए, विषय वस्तु के साथ चलने का प्रयास कीजिए, विषय वस्तु का मनन करने का प्रयास कीजिए और इस तरीके से आत्मसात करके एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास कीजिए। और इसे ही कहा जाता है स्वस्थ जो है समझ किसी टॉपिक के बारे में। और ऐसा करने के साथ जो है न केवल विभिन्न प्रकार के वनडे और प्रारंभिक परीक्षाओं में, बल्कि इससे आप साक्षात्कार मुख्य परीक्षा में भी अपने आप को सफल बनाने में जो है सफल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये चार से दोनों जो है शब्द आ गए। आलू, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में जो है, और आलू की कुछ प्रजातियां जैसे कुफरी जो है, चंद्रमुखी, कुफरी, चिप्सोना, ये सब जो है आलू की प्रजातियां जो परीक्षा में पूछी गई, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको रिमाइंड होगा विभिन्न परीक्षा में पूछी गई हैं, ये सारी पंजाब और जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो थोड़ा सा अगर उसको जोड़ करके देखने का प्रयास हो तो यहाँ से निष्कर्ष निकल आएगा जो है ये शिमला के लिए जो है ये चीजें निकल करके आएंगी। तम्बाकू, केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। और चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में है, उड़ीसा, उड़ीसा के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में, यहाँ पे चावल का उत्पादन काफी होता है। और यहाँ पे चावल मतलब गेहूं से ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, उत्पादन के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर यहाँ पे उत्पादन भी अच्छा होता है। तो उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी यहाँ पर हुआ था। थोड़ा सा चीजों को अगर जोड़ करके देखने का प्रयास किया जाए तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये आसान होगा और वहां से एक निष्कर्ष निकालना बहुत ही बेहद ही सरल आप लोगों के लिए होगा। तो अब आपने देखा यहाँ पर हमने जो है किस तरीके से जो फसलों, चावल, कृषि के संदर्भ में हम लोग जो है लगातार यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं जो है। तो यहाँ पे नई दिल्ली से संबंधित हमने देख लिया, गन्ना से संबंधित किस तरीके का डेवलपमेंट है, एक साथ देखिए तो
आपको तुलना कर पाएंगे और तुलना करके एक निष्कर्ष, बेहतर निष्कर्ष निकाल पाएंगे, तो ये आप लोगों के लिए आसान होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण चावल, आलू, तंबाकू और चमड़ा को जो है देख लिया, जहां से सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूध से संबंधित देख लेते हैं, दूध एनडीआरआई, इसमें दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं एनडीआरआई और एनडीडीबी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, करनाल में है ये, करनाल कहां पे, हरियाणा में है। और दूसरा जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये जो है आनंद में है। आनंद क्या है, आनंद एक स्थान है और ये जो है गुजरात में है, आनंद गुजरात में है और करनाल जो है ये हरियाणा में है। अब आपने देखा एनडीडीबी आनंद है, एनडीआरआई आर से जो है यहाँ पे रा भी मिल रहा है, तो थोड़ा सा इस तरीके से जोड़ के देखेंगे तो आसान होगा। यहाँ पर जो है दूध और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के उत्पाद को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, उस पर रिसर्च अनुसंधान का कार्य किया जाता है, जबकि यहाँ पर एनडीडीबी आनंद गुजरात में है, यहाँ पर जो है किसानों को किस तरीके से सहयोग दिया जाए, किस तरीके से डेयरी के नेटवर्क को डेवलप किया जाए, तो आनंद गुजरात में स्थित है और इसी आनंद से ही जो है अमूल निकला हुआ है। अमूल जो है दूध का एक ब्रांड है, जिस तरीके से आपके यहाँ पराग है, अमूल है, ज्ञान है, इसी तरीके से कई जो है कंपनियां हैं दूध की, तो इन्हीं के नाम पर जो है ये आनंद के नाम पर ही जो है यहाँ पर जो अमूल शब्द लिख रहा है, जिसका पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये साक्षात्कार में भी सवाल पूछा गया और प्री में भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो आप दूध से संबंधित, भाई कृषि के साथ पशुपालन का बड़ा गहरा नाता और संबंध रहा है, तो डेफिनेटली हम उसी डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे, तो कृषि के साथ हम लोग जो है दूध या पशुपालन को हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, ये दो संस्थान महत्वपूर्ण निकल करके आते हैं। अब इसी के साथ में जो है कृषि का जो मौसम से भी महत्वपूर्ण संबंध रहा है, मौसम, तो मैंने यहाँ पे बताया कि भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान दिल्ली में जो बताया ही गया था, मौसम अनुसंधान संस्थान जो है ये नई दिल्ली में है, मौसम अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। और इसी तरीके से भारतीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान, समुद्र, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये पणजी में है। यहाँ से कई बार सवाल मिलान के लिए पूछा गया है, मिलान से संबंधित सवाल पूछता है, तो थोड़ा सा इसको देखना आवश्यक है कि भारतीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में हो गया, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान पणजी में हो गया, इसी तरीके से पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान या पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में है। पर्यावरण मौसम से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर एक तरीके से देख लेते हैं, पर्यावरण अभियंत्रण पर्यावरण जो है अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में है। ये सवाल भी पूछा गया है कई बार, इसलिए इसको यहाँ पे ध्यान में रखना आप लोगों के लिए आवश्यक होगा। तो मौसम से संबंधित हो गया, अब आपने देखा कि कृषि पशुपालन में दूध हो गया, मौसम कृषि से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और कुछ महत्वपूर्ण फसलें जो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा, चार महत्वपूर्ण फसलों को। तो इस तरीके से अगर एक क्रम बना करके आप लोग चलने का प्रयास करें, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अगर कहीं पर आपको पूछा जाएगा कि आप 10 महत्वपूर्ण संस्थानों के नाम बताइए, तो आप इसी से पकड़ लीजिए
आप कृषि के कुछ बता दीजिए, मौसम से बता दीजिए, पशुपालन से बता दीजिए, अभी कुछ और हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ये तो आपको एक अप्रोच देने का प्रयास किया गया है और इसी के माध्यम से आपको ढेर सारे जो इंस्टीट्यूट जो इंडिया में जो है एग्जिस्ट करते हैं, जिनके माध्यम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, उस पर अपनी दृष्टिकोण को विकसित करना होगा। अभी जैसे वन से संबंधित है, कृषि के बाद वन का भी नंबर आता है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वन अनुसंधान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में है। इसी के साथ जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग विभाग ये भी जो है देहरादून में है। दो महत्वपूर्ण संस्थान इसी से जुड़ी हुई हैं। तो अब इससे हम आगे जो और भी देहरादून में संस्थान है उसको भी यहीं पर देख लेते हैं। अब यहां पे दृष्टि विकलांग अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग, विकलांगता भी जो है पांच प्रकार की होती है, दृष्टि विकलांग अनुसंधान संस्थान ये कहां पे स्थित है, ये भी देहरादून में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान ये कहां पे, देहरादून में। तो अब आपके सामने देहरादून से संबंधित चार महत्वपूर्ण जो है अनुसंधान या विभाग आ जाते हैं और इसको आप अगर तैयार करते हैं तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। जो है अभी वन से हो गया या देहरादून से, इसको आप ऐसे कह सकते हैं। जो है कोलकाता से हम लोग देखते हैं, कोलकाता कलकत्ता जिसका पहला पूर्व नाम था, कोलकाता से संबंधित जो है भारतीय भारतीय पुरातात्विक अनुसंधान संस्थान ये कहां पे है, कोलकाता। भारत में अगर पटसन जूट, जूट की अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जूट यहां पर उत्पादित होता है, तो केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान जो है ये भी कोलकाता में ही स्थित है। तो भारतीय पुरातात्विक और केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान। अभी लखनऊ के बारे में जो है यहां से सवाल पूछा गया है, यहां पर सी एम आर आई सी बी आर आई और ITRI, यहां से कई बार परीक्षा में से शार्ट में पूछा गया, ये तो थोड़ा शार्ट में है, अभी मैं इसको व्याख्या करके बता रहा हूं कि सेंट्रल मेडिसिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पे है, लखनऊ में। सेंट्रल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय जो है वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, टॉक्सिक से बना है, विश्व से बन लिया गया है, तो औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान, ये तीनों ये कहाँ पे है, लखनऊ में। ये यहाँ से कई बार परीक्षा में सवाल मिलान के लिए पूछा गया कि इनमें से क्या लखनऊ में नहीं है, तो आपको ये चीजें एक साथ पढ़नी होंगी कि औषधि है, वनस्पति है
औद्योगिक विश्व से संबंधित है। बीरबल साहनी बॉटनिकल इंस्टीट्यूट भी यहीं पर स्थित है, बीरबल साहनी बॉटनी इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में स्थित है। तो इस तरीके से आपने देखा कि लखनऊ के बारे में कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो एक साथ लखनऊ में स्थित हैं। स्वास्थ्य को लेकर के हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है स्वास्थ्य को लेकर के। ये सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस का सेंटर कहां पर इंडिया में है, तो ये हैदराबाद में है, यानी कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सेंटर जो है वो हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या उपयोगिता है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए इस तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के पुलिस संस्थान सीबीआई या अन्य महत्वपूर्ण जो है जांच एजेंसियों के द्वारा इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिससे किसी मामले में व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में पहचान को सुनिश्चित किया जाना संभव हो सके। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये गांधीनगर। कभी कभी ऐसे भी सवाल हो सकते हैं कि फिर उसके और भी संस्थान बाद में स्थापित किए गए, लेकिन पहला जो होता है वो कई बार यहां से भी पूछा जाता है पहला अनुसंधान संस्थान क्या है, या अगर नहीं दिया हुआ है ये कि चौथा पांचवा दूसरा, तो भी आपको पहले वाले को ही लगाना चाहिए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान हो गया। मस्तिष्क, ये सवाल कई बार पूछा गया है, मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान ये गुड़गांव जो है ये हरियाणा में है, दिल्ली के पास में सटा हुआ हरियाणा में है अनुसंधान संस्थान। तो ये आपके क्या हो गए, स्वास्थ्य से संबंधित। अब इसी में एम्स को भी जोड़ा जा सकता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये आपके कहाँ पे है, दिल्ली में है। ये तो दिल्ली के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान ICAR यानी इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी बात स्वास्थ्य को लेकर के। तो आप जो है इसको जब इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करेंगे तो वहाँ उसको किसी भी रूप में और अलग अलग ग्रुपिंग में जो है आप यूज कर पाएंगे और अपनी समझ को इस विषय के बारे में बढ़ा पाएंगे। तो ये स्वास्थ्य को लेकर के जो है एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। कुछ औद्योगिक या जो है लौह अयस्क से जुड़ी हुई चीजें हैं उससे संबंधित संस्थान को भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोहा को उठा लेते हैं तो खनन अनुसंधान है, लौह अयस्क अनुसंधान है, भवन निर्माण अनुसंधान है, जल है, केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान संस्थान है। तो इन चीजों को एक साथ जोड़ करके देखा जाए, और बाद में अगर कहीं भवन बनता है व्यक्ति रहते हैं कपड़े की आवश्यकता होती है तो कपड़ा अनुसंधान संस्थान। तो इस तरीके से एक सोच अप्रोच डेवलप कीजिए और चीजों को इंटरकनेक्टेड करने का प्रयास कीजिए। इंटरकनेक्ट जब होंगी तो उससे संबंधित संस्थान आप खुद ब खुद, या कभी आपने पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद उसके बारे में अगर कहीं पे बैठे हुए हैं आपके पास समय है तो उसके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए, और सोचने के साथ ही जो है आपको उस विषय के बारे में तैयारी हो जाएगी पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर हम लोग जो है जैसे देखते हैं केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये जो है धनबाद है, महत्वपूर्ण खनन से संबंधित जो है स्थान है। केंद्रीय लौह अयस्क अनुसंधान संस्थान, ये जो है रांची में है, झारखंड की राजधानी है वहां पे। भाई जब पहले खनन होगा जो है लौह अयस्क का तभी तो उस पर अनुसंधान किया जाएगा, और जब लौह अयस्क बन गया अब भवन निर्माण में भी इसका प्रयोग आएगा। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान,
ये जो है रुड़की में है। रुड़की में एक जो कॉलेज है जो बहुत ही पुराना कॉलेज है, यद्यपि ये अब वर्तमान समय में उत्तराखंड में चला गया है, और यहाँ पे एक इंजीनियरिंग का कॉलेज है। तो इंजीनियरिंग में कई प्रकार के ब्रांचेज होते हैं, कोई आईटी सेक्टर में जाता है, कोई मैकेनिकल फील्ड में काम करता है, कोई सिविल फील्ड में काम करता है। तो इस तरीके से ये सब निर्माण इत्यादि से संबंधित रोड सड़क निर्माण बिल्डिंग सिविल में आते हैं, तो यहाँ पे उसके भी ब्रांचेज अगर हैं तो यहाँ से ही इसको जोड़ करके देखा जा सकता है कि भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पे हो गया, रुड़की में। केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान संस्थान खड़कवासला पुणे। विद्युत अनुसंधान संस्थान नहीं है, जल विद्युत अनुसंधान संस्थान, ये जो है खड़कवासला, खड़कवासला जो है पुणे में है और पुणे जो है वो महाराष्ट्र में है। तो खड़कवासला पुणे में जो है आ जाता है। अभी इसी के साथ में जो है कपड़ा अनुसंधान संस्थान एक और देख लिया जाए। कपड़ा अनुसंधान संस्थान ये जो है अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद है, उत्तर प्रदेश में कानपुर है, यहां सब, उसके बाद मुंबई है। ये जब जो है कपड़े के लिए जो है फेमस जो है जगह जहां पे कपड़े का जो है उत्पादन किया जाता है। तो ये चीजें आप लोग एक करके एक साथ में जो अगर इंटरकनेक्टेड करेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और मैं इसमें देखना चाहूंगा जो कि महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि इसके बाद स्वयं आपके अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाएगी, आप उसे ग्रुपिंग बनाने में जो सफल होंगे। तो ग्रुपिंग बनाइए, ग्रुपिंग के माध्यम से जो है इनको तैयार करने का प्रयास कीजिए। तो अगला जो देखेंगे वो भूमि से संबंधित है, भूमि से संबंधित है, जैसे शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, शुष्क भूमि। अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? जोधपुर। जोधपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। अब राजस्थान के किसी स्थान को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पे शुष्क भूमि काफी मात्रा में पाई जाती है, काफी क्षेत्रफल में पाया जाता है। तब शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान काफी क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है जोधपुर में जो है ये संस्थान स्थापित किया गया है। अब शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान इसी से मिलता जुलता एक और सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, शुष्क भूमि फसल अनुसंधान संस्थान। अब ये तो शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान चार हो गया, अब इसी में एक और शब्द जुड़ गया कि शुष्क भूमियों में फसल के उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो शुष्क भूमि फसल अनुसंधान की उसमें कौन से फसल उगाए जा सकते हैं, तो ये जो है आपके हैदराबाद में स्थित है। ये कहां पे स्थित है? हैदराबाद में। शुष्क भूमि फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित हो जाता है। अभी और देखते हैं शुष्क भूमि बागवानी, शुष्क भूमि बागवानी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? बाग से बागवानी और बाग से बीकानेर। ये सभी चीजें आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बागवानी अनुसंधान संस्थान, लेकिन अभी यहां पर है एक उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये तो शुष्क भूमि है, एक उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, मतलब यहां तो शुष्क भूमि बागवानी है, ये उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान ये आपके लखनऊ में है। कई बार पेपर में विज्ञप्ति भी यहां से निकलती है विभिन्न प्रकार के कामों के बारे में। तो उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान और चारा अनुसंधान संस्थान, चारा, चारा के बारे में भी अनुसंधान संस्थान जो भारत में जो स्थापित किए गए हैं, तो चारा, चारा अनुसंधान संस्थान ये भरारी झांसी में स्थित है। झांसी के जो है वो भरारी नामक स्थान पर जो है चारा अनुसंधान संस्थान स्थित किया गया, ये भी कई बार सवाल परीक्षा में पूछा गया है। और एक अलग, एक अगला है जो है कि वेजिटेबल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट या साक जो है कहा जाता है, सब्जी अनुसंधान संस्थान उसको कह सकते हैं, इसको
वेजिटेबल से जान लीजिए। अनुसंधान संस्थान ये आपके वाराणसी में, ये भी सवाल परीक्षा में पूछा गया है। तो ये जो है भूमि और फसल से संबंधित है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग कर करके जो है अगर आप लोग तैयारी करते हैं, ग्रुपिंग कर करके आप लोग तैयारी करते हैं तो किसी विषय में आपकी पकड़ को मजबूत बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी कुछ ऐसे भी संस्थान होंगे जिनकी ग्रुपिंग में भी कम बनेगी, तो आप जब ग्रुपिंग में जो ज़्यादा ज़्यादा जो है अनुसंधान संस्थान का जो है को तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर ज़्यादा संस्थान तब नहीं बचेंगे, इंडिविजुअल जो एक दो हैं जिनकी ग्रुपिंग नहीं हो उनकी संख्या बहुत कम होगी और उसको आप अलग से पढ़ के तैयार कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने शोध संस्थान के बारे में जो अध्ययन किया, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको एक बेहतर समझ विकसित करने में आसानी होगी। और पुनः इस तरीके के लेक्चर के साथ हम अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।